अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं हाजिर हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है मी एंड माय जॉन व्लॉग्स। तो आज हम आपके सामने एक नई रेसिपी पेश करेंगे जिसमें हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और बनाएंगे हम टमाटो सॉस, टमाटो सॉस नहीं, पिज्जा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस। तो बने रहिए हमारे साथ और आगे भी आपको हम अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाते रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को हमारे वीडियोस जो हम बनाते हैं आपको पसंद आ रहे होंगे। तो आगे भी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस पूरा देखिए क्योंकि आप लोगों की हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आगे भी हम मेहनत करते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपको दिखाते रहेंगे और बाकी चीज़ें हम अब दिखाएंगे आपको, जैसे हम बनाएंगे पिज़्ज़ा वाली टमाटर सॉस और पिज़्ज़ा। होममेड ठीक है जी, पिज्जा। होममेड पिज़्ज़ा। तो बने रहिए हमारे साथ, चलिए हम अब पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम पिज़्ज़ा बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आगे हम आपको पिज़्ज़ा दिखाएंगे बनाकर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो आज की हमारी रेसिपी है वो है होममेड पिज्जा। उसके लिए क्या करना है, हमें 1 कप लेना है मैदा। हमने 1 कप मैदा ले लिया और हमें लेना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हमने ले लिया नमक। और हमें लेना है ये बेकिंग पाउडर। ये देखिए बेकिंग पाउडर हमें इतना लेना है, ये देखिए इतना लेना है हमें बेकिंग पाउडर। और इसके आधा लेना है बेकिंग सोडा। अगर हमारे पास ईस्ट नहीं है तो ये दोनों चीज़ आप जरूर डालना। बस ये होगा। अब हम इसमें वो अच्छे से वो करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा दही डाल के ना, थोड़ा दही, ये देखिए। अब हम एक डो बनाएंगे। ये देखो एकदम से नहीं दही डालना है, थोड़ा थोड़ा दही डालना है बस। उसके बाद दही का जब हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा हमें पानी लगेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, कुछ बूंदे लगेंगी, ज़्यादा नहीं। हमें एक अच्छा, मैं आपको एक फाइन सा ना एक बेस बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम अच्छी तरह से दही डाल के ना इसको अच्छे से एक बना लेंगे ऐसे। पहले देखेंगे सारा ये हमारा हो जाए। इसका डो ना, मतलब ना ज़्यादा टाइट करना है तो ना दरमियाने ही करना है। डो बनाने के बाद हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस, क्योंकि ये होममेड पिज़्ज़ा है। हर चीज़ घर में ही, जो चीज़ें हमारी घर में अवेलेबल हैं हम उसी में ही बनाएंगे। ये देखो थोड़ा सा मैंने पानी लिया, थोड़ा सा लिया, ज़्यादा नहीं लिया। अब मैं आपको ये डो बना के फिर मैं आपको आगे दिखा के फिर मैं आपको सॉस की तैयारी करती दिखाती हूँ कैसे इसको कितना इसकी वो रखना है। हमारा जब हो गया ना, ये देखिए बिल्कुल डो हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा हम तेल लेंगे, सिर्फ तेल, ये एक ढकना लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। ये देखिए ये हमने थोड़ा सा लिया तेल, बस थोड़ा सा तेल डाल के फिर अच्छे से इसको हम एक बार और अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। इसकी आवाज़ आती होगी। बस इसको 2 मिनट ऐसे भून के ना, ऐसे ऐसे जैसे कि हम आटा को गूंथते हैं। उसके बाद हम इसको आधा घंटे के लिए एक साइड रख देंगे। उतनी देर में हम अपना बनाएंगे पिज़्ज़ा सॉस और देसी ओवन, क्योंकि कढ़ाई में बनाना है ना। पर आप देखना जब पिज़्ज़ा बनेगा बिल्कुल लगेगा ओवन का बना हुआ पिज़्ज़ा है। और प्लीज़ मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए हो गया हमारा डो तैयार हो गया, बिल्कुल ऐसे रखना है। ये देखिए और इसके ऊपर कोई गीला कपड़ा आप रख देना, आधे घंटे के लिए इसको रेस्ट पे रख देना। ये देखिए ये हमने रख दिया। इसके ऊपर हमने एक ये
ये रख दिया ऊपर से, बस अब इसको आधा घंटा भूल जाइए, हो गया। सबसे पहले में क्या करना है, ये जो काली मिर्च है ना, थोड़ा सा इसको ना रोस्ट कर, वो कर लेना है, रोस्ट करके ना फिर इसको ना हमें दादर कूट लेना है पिज़्ज़ा सॉस में डालने के लिए। थोड़ा सा ये हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और हमें क्या क्या चाहिए, ये देखिए, एक प्याज चाहिए, 3 दरमियाना टमाटर चाहिए, और हमें चाहिए साबुत 3-4 मिर्चें, जो देगी मिर्चें होती हैं वो। बस अब ये हो जाता है, काली मिर्च है ना, ये दादर करके ना आप ना इसको हम गर्म किए होंगे ना, ये एकदम से पिसा जाएगा बेलने से भी। ये देखिए, ये हमने अपनी सॉस में डालना है, बस इसको हमें दादर ही रखना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना ये बन गया। अगर चाहो तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं जो चीज़, ये देखिए बस ये हमारा बन गया, ये हम अपनी सॉस में डालेंगे। बस अब ये हमारा हो गया, अब हम डालेंगे थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब हम डालेंगे रिफाइंड या तेल, जो आपका दिल करे वो आप यूज़ कर सकते हो। और हम डालेंगे 1 प्याज, तो थोड़ा सा सौते कर लिए, थोड़ा सा जब ये हो जाएगा, थोड़ा सा ये पिंक हो जाएगा ना, थोड़ा सा मैं पिंक करके इसे दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा हो गया, बस इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, हाई फ्लेम पे सॉफ्ट करना है, पूरा नहीं करना है। इसके बाद हमें इसमें डालना है ये जो हमारे 3 टमाटर थे ना, ये हमें डाल देना। इसके बाद हमें डालना है ये 3 देगी मिर्च, और हमें डालना है इसमें नमक, थोड़ा सा हमें चाहिए नमक, ये हम थोड़ा सा नमक डाल दिए। नमक के साथ चाहो तो अगर आपको चीनी का भी फ्लेवर, थोड़ा चीनी भी डाल सकते हो, मैं नहीं डालती ऐसी चीज़ों में चीनी, आप अगर चाहो तो डाल सकते हो। बस ये करके इसको 5 मिनट के लिए इसको सॉफ्ट होने को रख देना, अभी मैं आपको करके फिर मैं बताती हूँ। हमारा रेडी हो गया, अब ये ठंडा हो जाएगा, इसको हम ग्राइंडर में एक अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेंगे, उसके बाद हम मैं बताती हूँ आगे क्या करना है। बस ये नमक छान लो, पहले मैंने इसमें कुछ बनाया था इसलिए ये ऐसे हो गए, बस ये पहले मैंने यूज़ किया हुआ है। बस ये देखिए ये हमारा नमक आ गया, और अगर आप नमक कर रहे हो यूज़ तो इसको आप उठा के रखना आगे फिर कोई डिश बनाना हो। बस अब ये हमारा हो गया ना, अब इस नमक को हम अच्छे से गर्म, मतलब एक तरह से ओवन की तरह इसको हीट पे रहन देंगे कम से कम 15 मिनट, अगर ये गर्म ना हो। उसके बाद मैं आपको जब सॉस बन जाएगा, जब मैं उसको आधा घंटा हो जाएगा मैं बेलूँगी, फिर मैं बताऊँगी। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है, होता है नहीं होता है घर में, क्योंकि 1 मिनट स्टैंड नहीं है, कोई पतली सी कॉली ऐसे रख दिया, ये ऐसे रख दिया बस। अब इसको कम से कम 15 मिनट ये प्रॉपर का ढकना देके छोड़ दिया 15 मिनट, उसके बाद हम अपने ओवन का ये, इसके बाद हम अपना पिज़्ज़ा इसके अंदर डालेंगे। जब तक हम जो हमारी पिज़्ज़ा सॉस है उसको रेडी करते हैं, जब तक ये अच्छी तरह इसको हीट होता है, उसके बाद बताती हूँ। इसको चलो आप पीसते हैं, थोड़ा सा हो गया ना। ये देखिए इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इधर ये देखो, पहले सबसे पहले हमें लहसुन को बिल्कुल बारीक बारीक काट लेना है, ये हमारी काली मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च, ये हमारा ऑगेनो, और ये है हमारे जो हमने जो थोड़ा भुना था वो है टमाटो सॉस, प्याज, टमाटर और देगी मिर्च। अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमें डालना है थोड़ा सा तेल, क्योंकि जो ये चटनी है इसको अच्छे से अब भूनना है, पिज़्ज़ा सॉस को हमारी चटनी भी बोल सकते हैं। ये देखिए जब ये हमारी गर्म हो जाएगी, फिर हमें डालना है लहसुन की कलियां, इसको
लाइट ही भूनना है, इसकी खुशबू ताकि निकले। देखिए ये हमारा हो गया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसको ब्राउन नहीं करना है, फिर हमें डालना है ये जो हमारा ओरिगैनो है ना, ये डाल देना। ये हमने डाल दिया इसमें ओरिगैनो, बस स्लो कर देना है आंच ताकि हमारा ये ब्राउन ना हो। अब जो ये हमारी सॉस, ये हमने अच्छी तरीके से इसमें डाल दिया। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है, जिस तरह हम मसाला नहीं भूनते हैं, तब तक भूनना है जब तक इसमें इसका तेल बाहर ना आ जाए। अच्छी तरीके से भूनना है, जब ये भून जाएगा फिर उसके ऊपर से हमें कुटी हुई काली मिर्च डालना है। अब इसको हम भूनते हैं ताकि ये अच्छे से हो जाए। अब ये जब हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँ, फिर मैं दिखाती हूँ आगे। ये हमारी पिज़्ज़ा सॉस है, ये देखिए जो हमने थोड़ा तेल डाला था अब वो तेल बाहर आने लगा। ये देखिए क्योंकि हमने कम ही तेल डाला था, इसमें तेल अब हो गया। अब हम डालेंगे ये काली मिर्च जो हमने थोड़ा भून के तो कूट के रखी थी। बस सारा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना, जितना आपको तीखा पसंद है। बस अब ये आप ये चटनी जो है ना आप बनाकर फ्रिज में एक महीना तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। बस अभी हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी है, होममेड। चलिए अब हम इसका बनाते हैं बेस, पिज़्ज़ा बेस। देखो ये हमारा सेट हो गया, हमें आधा घंटा हो गया। अब इसको हमें पतला पतला बेलना है। ये मैंने मक्की का आटा लिया है, बेलना मोटा नहीं बेलना है। क्या बेलना है इसको, पतला? हाँ इसको पतला पतला बेलना है, ज्यादा मोटा बेस नहीं रखना है, फिर जल्दी बनेगा ना। बेल के मैं दिखाती हूँ ना, देखो हम बड़ा पिज्जा बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा बेस, इतना बड़ा हम पिज़्ज़ा बनाएंगे, फैमिली पिज़्ज़ा। ये देखिए हो गया। अब ये लेंगे हम फोक, फोक से ऐसे 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 सारे इसको हम ऐसे ऐसे कर देंगे, पूरा आप कर देना, वरना ये बीच में से हमने सोडा डाला है ना, ये बीच में से फूलना शुरू हो जाएगा, ये ज़रूर करना। ये देखिए इसको अब ऐसे ऐसे फोक से ना ऐसे ऐसे कर देना, अगर आप ये नहीं करोगे ये इतना फूल जाएगा, तो इसलिए ज़रूर करना। अब ये करके अब मैं इसको बताऊंगी इसके ऊपर टॉपिंग क्या क्या, इसके ऊपर क्या सजावट के लिए हम क्या क्या डालेंगे। अब हम इसको सजाएंगे। बस हो गया, ये हमारे हमने इस पे रख दिया। अब हम इसको डालेंगे ये पिज़्ज़ा सॉस, अच्छी तरीके से हम इसको लगा देंगे, अच्छी तरीके से हम इसको लगा के। ये पिज़्ज़ा सॉस लग रही है बेस के ऊपर, ये हमारा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल का नाम है मी एंड माय जॉन व्लॉग्स। ये हमने लगा दिया जितना आपको पसंद हो, ये हमने कर दिया। क्या करना है इस पर, हमें थोड़ा सा ऊपर से ना थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देना है, थोड़ा सा ये अभी डालना, अभी ये थोड़ा सा हमने डाल दिया, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल के बाकी हम ऊपर से डालेंगे। अब हम इसको सब्जियाँ डालेंगे, टमाटर प्याज और शिमला मिर्च। अगर आपके पास कोई और सब्जी जैसे कौन होता है वो उबले हुए कौन आजकल मिलते हैं 20 रुपए में, आप वो भी डाल, जो सब्जियां डालना है वो आपकी अपनी मर्जी है। जो अभी मेरे घर में थी मैंने वही अभी डाली है,
देखिए अब इसकी कलरफुल डेकोरेशन हो रही है वेजिटेबल्स के साथ। अगर आपको इसी में अगर आप चिकन होता है ना, चिकन चिकन को फ्राई करके अगर आप उसके ऊपर से डालो, चिकन क्यूब्स काट कर फ्राई करके फिर आप ऐसे ही डालो, फिर ऊपर से और मोजरेला चीज। ये तो अभी वेज पिज्जा बन रहा है, अभी तो मैं किसी दिन वो भी बनाऊंगी, नॉन वेज पिज्जा भी। हाँ, चिकन पिज्जा भी बनाएंगे, मटन पिज्जा भी बनाएंगे, ये अभी वेज पिज्जा बन रहा है हमारा। घर के अंदर आप कैसे बना सकते हैं, आसान तरीका हमने आपको बताया, आप देखते रहिए। देखिए हमने अब सब्जियां अपनी सारी डाल दी हैं, सब्जियां पतली पतली इसलिए काटी, किसी को नहीं पसंद होती हैं बड़ी बड़ी, इस तरह ही जल्दी कुक भी हो जाते हैं और जल्दी तैयार होता है। अब हमें क्या डालना है, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके ऊपर चिली फ्लेक्स। ये देखिए ये हमने डाल दी चिली फ्लेक्स डाल दी, बाकी हम ऊपर से भी डालेंगे। ये देखिए अब हमें इसमें सब बहुत सारा, क्योंकि हमने नीचे भी मोजोरेला चीज डाला था, बस आपको बाजार से मोजोरेला चीज लाना है, बाकी हर चीज घर में अवेलेबल होती है। प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए और ऐसे पिज्जा को बनाइए और मजे कीजिए खाकर, जितना हो सके इसकी भी। और ये बहुत ही किफायती पड़ जाता है घर में, बहुत ही बजट में बनता है ये। देखो कितना बड़ा पिज्जा मैं बना रही हूँ, अब बिल्कुल घर के सामान, बस एक मोजरेला चीज लाना है बाहर से, सॉस भी घर की, हर चीज घर का। अब इसके ऊपर हम डालेंगे फिर से थोड़ा चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो। देखिए वहां से हमारा ओवन भी तैयार है गरम गरम, हमने घरेलू ओवन बनाया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए ऑरेगानो डालो ऊपर, वो क्योंकि आपने पहले देखा होगा वीडियो में हमारी, अभी इस वीडियो में आपको मैंने पूरा बताया हुआ पिज्जा के रिलेटिव सब कुछ। बस ये हमारा टॉपिंग तैयार है, अब हम इसको डालेंगे अपने ओवन में। ये देखिए वो हमारा ओवन बिल्कुल रेडी है, 20-25 मिनट के लिए आप भूल जाइए, अपना कोई काम कीजिए, 20-25 मिनट में हमारा पिज्जा रेडी। ठीक है, अब मैं आपको 20-25 मिनट बाद दिखाती हूँ हमारा पिज्जा कैसा हो जाएगा। ठीक है, आधा हो गया है, अब हम देखते हैं आधे घंटे बाद हमारा पिज्जा कैसा हो गया। बहुत गर्म है, ध्यान से उठाना, ये देखिए ये आधा घंटे के बाद हमारा, ये देखिए सब कुछ हो चुका है सब तैयार। ये देखिए अब इसको हम दूसरे प्लेट में डालेंगे, आराम से डालना। अगर ये देखिए आधा घंटा कम से कम, ये देखिए कितना अच्छा हर चीज मेल्ट हो गई है, हर चीज हो गया। तो अब हम इसको कटिंग करके आपको दिखाते हैं हम खाते वक्त। कितना खूबसूरत बना है देखिए पिज्जा, ये होममेड पिज्जा है, देखिए बनाइए, बिल्कुल बाजार की तरह टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाजार की तरह टेस्ट आएगा, और होममेड है, किफायती और बेहतरीन, गरम में भी और अच्छा। अभी मैं आपको अंदर टेस्टिंग पे दिखाती हूँ। देखिए पिज्जा हमारा रेडी है, तो अब इसे घर में बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। ये होममेड पिज्जा है, बहुत अच्छा है, हमने घर में खुद बनाया, आपने देखा हमने ओवन कैसे बनाया, कैसे इसको इसकी इंग्रेडिएंट्स की। चलिए अब हमारे पास कटर भी नहीं है तो चाकू से ही करेंगे। ये देखिए देखिए कितना चीज मेल्ट हो गया, मैं आपको कट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ, उस्मान नीचे से दिखाएगा आपको इसका बेस कितना अच्छा बना है। कीजिए कीजिए आप कट, हम तो अभी लाइव हमने वीडियो बना रहे हैं, तो कट कीजिए आप आराम से, देखिए अभी समय इसके पीसेस हो रहे हैं। ये देखिए कैसे इसमें चीज गिर रहा है, अगर आपके पास कटर है फिर तो बहुत अच्छा है। ये देखिए इसकी आप फीलिंग नीचे से देखिए, ये देखिए ये देखिए, लुक एट दिस कितना अच्छा बना। अब उस्मान आप टेस्ट कर। ये देखिए हमारा पिज्जा रेडी है, देखिए नीचे से भी पका हुआ है, ये अच्छे से पक चुका है। देखिए अब मैं इसको टेस्ट करता हूँ, मैं
मेरे सब्सक्राइबर्स भी टेस्ट कीजिए, इसे बनाइए और खाइए। देखिए आज हमने आप लोगों को पिज्जा बनाया सिखाया, ये वेजिटेरियन पिज्जा है। इसके बाद हम चिकन पिज्जा भी आपको बनाएंगे दिखाएंगे, मटन पिज्जा भी दिखाएंगे आपको बनाकर। तो चलिए आज की रेसिपी आपको कैसी लगी जो हमने आज वेज पिज्जा बनाया था, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी बनाएंगे खाएंगे और अपने बच्चों को भी खिलाएंगे। ये होममेड है, अब इसे बनाइए और खाइए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को देखिए, वीडियोस को पूरा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप जितना हमें सब्सक्राइब लाइक और शेयर करेंगे उतनी ही अच्छी वीडियोस हम बनाएंगे और उम्मीद कर रहे हैं आगे भी बनाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं ये मुझे मालूम है कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, तो इसके साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए कल मिलता हूँ आपको नई रेसिपी और एक नए ब्लॉग के साथ। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम और बाय बाय, खुदा हाफिज़।